दोस्तों, महाभारत के युद्ध में सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। अब सवाल ये उठता है कि इन 45 लाख लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे ये सब प्रबंध किया जाता था। सवाल ये भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। आओ जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। हालांकि उडुपी के राजा ने एक अच्छा निर्णय भी लिया। किंवदंति के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ी नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूँ। तो श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। लेकिन राजा के समक्ष ये सवाल था कि प्रतिदिन में भोजन किस हिसाब से बनवाऊं, खाना कम या ज्यादा तो नहीं होगा। तब उनकी चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। हैरान करने वाली बात ये थी कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में बचा। यह कैसे संभव हुआ? मान्यता के अनुसार इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया जाता है। इसके बारे में दो कथाएं प्रचलित है। पहली ये कि हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भोजन करते थे, तब भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं। दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे, तो जिस दिन वे जितनी मूंगफली के दाने खाते थे, समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने हजार सैनिक मारे जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।